हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शुगर फ्री ड्राई फ्रूट लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं और हम इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे किसी भी तरह की, क्योंकि हम इसमें अंजीर और किशमिश यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में नेचुरल शुगर होती है जो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जिसमें हम लेंगे 100 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम अंजीर, 30 ग्राम बीज हैं ये खरबूजे के बीज लिए हैं, और 20 ग्राम हम इसमें पिस्ता लेंगे। आप चाहें तो अपनी और मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें काजू, बादाम और पिस्ता को इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में पीस लें या फिर कपड़े में रखकर हल्का हल्का इसे कूट सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट के चॉपर से भी आप इसे काट सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई में 2 छोटी चम्मच देसी घी गर्म करेंगे और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बादाम, फिर काजू, फिर पिस्ता और अब खरबूजे के बीज भी डाल देंगे। और अब हम इन्हें लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। हमने इन्हें 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लिया है। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। आप ध्यान रखें कि हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें या मीडियम भी ना करें, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे और अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डालेंगे, और अब हम इसमें अंजीर डाल देंगे जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, और इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। अब हम इसमें 100 ग्राम किशमिश डाल रहे हैं और इसे भी साथ ही भून लेंगे हल्का सा। आप ध्यान रखिए किशमिश को हमें सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है। और अब हम इसे मिक्सर जार में निकाल लेंगे। ये हमने ग्राइंडर जार में इसे निकाल लिया है और अब हम इसे पीस लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसका पेस्ट सा तैयार कर लिया है। अब ये थोड़ा मोटा ही है, पर आप चाहें तो इसे और भी बारीक कर सकते हैं। अब हम ये अंजीर और किशमिश का मिक्सचर इस ड्राई फ्रूट्स में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से मिक्स करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा और ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ी सी किशमिश और डाल सकते हैं। किशमिश को आप पहले गर्म कर लें और फिर हल्का सा मिक्सी में पीसेंगे तो वो अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं हमने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और सर्दियों में आप इसे स्पेशली बनाएं, अपने बच्चों को भी दें और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी हैं और बच्चों की ग्रोथ में और बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।